हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, इस टाइम हम लोग हैं गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आपको बता दें तो आज डेट है 7 जुलाई 2023 और आ चुके भाई अपने उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या भाई तैयारियाँ की गई हैं, क्या डेकोरेशन किया गया है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए। भाई सबसे पहले यहाँ देख लीजिए आप, बोर्ड वोर्ड भी भाई लग चुके हैं पूरे वंदे भारत के, तेज आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का प्रतीक श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 7 जुलाई को। देखिए भाई भाई चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, देखते हैं अपनी वंदे भारत कहाँ है। और भाई बता दो तो सिक्योरिटी फुल रहने वाली, क्योंकि अपने पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं और यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। तो भाई समझ रहे हैं सिक्योरिटी ना कितनी तगड़ी रहने वाली है। फिर भी चलिए भाई देखते हैं क्या माहौल है, ठीक है ना। वैसे तो भाई बड़े बड़े अधिकारियों लोग की गाड़ी तो आ चुकी है, देखते हैं। और भाई एक चीज़ और आपको बता दें तो इनॉग्रल टाइम इसका आज शाम के टाइम है यानी कि 3:40 बज जाएंगे। हर जगह इनॉग्रेशन 10-11 बजे हो जाता था, बट यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं तो वो थोड़ा कहीं और गए हुए हैं, तो वहाँ से जब आएंगे तब जाके शाम में इनॉग्रेशन होगा। तब तक आपको हम दिखाते हैं क्या माहौल है। आपसे सिक्योरिटी की बात कर रहे थे ना, देखिए भाई रैपिड एक्शन फोर्स बस भर भर के आ रही है भाई सिक्योरिटी, देख रहे हैं पूरी ये अधिकारी लोग की गाड़ी लगी हुई है और सिक्योरिटी तो भाई पूछिए मत। और यहाँ अपने मोदी जी का पोस्टर देखिए, फाइनली अपनी गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत प्लेटफॉर्म पे इन कर रही है, देखिए भाई। भाई यही अपनी गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत है भाई, चमचमाती हुई, देख रहे ना इंडिया का जो मतलब गोरखपुर का जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है सेकेंड, उस पर एंटर कर रही है। देखिए भाई एक नंबर भाई, आप लोग ने अपनी वंदे भारत देख ली भाई, एकदम नई एकदम चमचमाती हुई प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। अब चलते हैं भाई देख लेते हैं क्या डेकोरेशन किया गया है गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे। चलते हैं भाई आगे के साइड में है, फिलहाल हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। आपने सेंटिंग देखा होगा तो भाई उसको सेंटिंग होने के बाद ना आगे की तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। आपसे पहले ही बताए थे मतलब कि भाई पास में फोटो जाकर नहीं खींच पाएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भाई जाने ही नहीं दे रहे ज़्यादातर। तो भाई इसने सोचे दूसरे साइड आ जाते हैं यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, इस साइड से आपको दिखा देते हैं अपनी वंदे भारत कैसी लग रही है एक बार, चलिए देखते हैं। भाई देखिए पटरियों की पूरी कलर कर दी गई है और 1 2 3 ये देखिए भाई, ये है अपनी वंदे भारत पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत, देख रहे ना भाई क्या चमक रही है, एक नंबर लग रही है। देखिए भाई तगड़ी है भाई एकदम। और भाई बता दो तो ये भी एक जो वंदे भारत है ये मिनी वंदे भारत है यानी कि 8 कोच वाली है और इसका इनॉग्रेशन टाइम तो आपको बता ही दिए शाम के लगभग 4 बजे तक होगा, बट अभी से ही लगा दिया गया है प्लेटफॉर्म पे। कहाँ गई है देखिए पीछे, एक नंबर भाई जो ये रूट था ना गोरखपुर से लखनऊ यानी गोरखपुर को वंदे भारत वाली, भाई बहुत दिनों से इसका इंतजार था इस वंदे भारत का, ना जाने भाई कब से फाइनली आ गई भाई अपने गोरखपुर में ना। भाई एकदम अच्छा फील हो रहा है, इतना बढ़िया हो रहा है कि जर्नी भी करेंगे भाई, पास भी मिल चुका है, ठीक है ना, पास भी मिल चुका है। अब इनॉग्रल जब होगा तब फुल जर्नी भी आएगी, हमने सोचा तब तक आपको एक अपडेट देते हैं दे दें, क्योंकि भाई शाम तक चलेगी वीडियो लाइव होते होते रात हो जाएगा, 8-9 बज जाएगा, इसलिए हमने ये ब्लॉग बना रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है ना दोस्तों, जो गोरखपुर में आपको पता ही इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है उसी पे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस लगी हुई है। पीछे के साइड है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और आगे के साइड है प्लेटफॉर्म नंबर 1 यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी है और इस पे पीछे जो भी ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एक साथ जैसे दो दो ट्रेन आ जाती है आपको पता होगा, बंद कर दिया गया भाई अपने वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए। देखिए और भाई वंदे भारत एक्सप्रेस का देखिए कोच, देखिए दिख रहा है ना सामने, इंडियन रेलवे के बाद 2023 में मैन्युफैक्चर हुआ है भाई सारा का सारा कोच, जितना आपको दिख रहा होगा भाई सारा का सारा कोच 2023 में ही बना है। भाई सोचिए एकदम नया ब्रांड न्यू भाई गोरखपुर को मिली है वंदे भारत, देखिए भाई लुक भाई बहुत तगड़ा लग रहा है यहाँ से देखने में, देख रहे हैं भाई अपनी वंदे भारत, भाई पूरे पटरियों को पेंट कर दिया गया है, देख रहे हैं। और भैया जी बढ़िया, वंदे भारत के बारे में कुछ बताएंगे हमको भी, बहुत मस्त है क्यों, आप यहीं से हैं गोरखपुर से ही? यहीं पे रहते हैं अभी। यहीं पे तो कुशीनगर से, लेकिन यहीं पे रहते हैं। आए देखने या फिर ऐसे ही? अच्छा देखने ही आए हैं। और सफर भी कर रहे हैं इससे? कर रहे हैं नहीं, कल से करना है। अच्छा कमर्शियल में? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया है, देख रहे हैं। जो भैया थे साथ में भाई, मतलब कि वो गोरखपुर में रहते हैं और स्पेशली अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने आए हैं, वैसे तो रहते हैं कुशीनगर में
लेकिन आए वंदे भारत देखने भाई, समझ रहे ना लोगों का कितना प्यार है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए, अल्टीमेट भाई। देखिए भाई एक नंबर सिक्योरिटी पर्पज की बात की जाए तो भाई सामने हम देख लीजिए आरपीएफ सर भी घूम रहे हैं पटरियों के इस साइड भी उस साइड, तो भाई सिक्योरिटी है ही, इस साइड भी है भाई, देख रहे ना भाई वहाँ सामने में आपको फूल दिख रहा है ना यहाँ, हाँ देख रहे ना पूरे फूल उल पूरे लगाए जा रहे हैं और ऊपर आपको भाई लोग दिख रहे होंगे भाई, मतलब तैयारी अभी तक चल रही है। यही था छोटा सा ब्लॉग अपने वंदे भारत एक्सप्रेस का, मतलब आप लोगों को दिखा दिए भाई प्लेटफॉर्म पे आ चुके ये तैयारियां हैं वो भाई, यही है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस आप लोग को दिखा दिए, छोटा सा ब्लॉग बना के भाई यही तैयारियां की गई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए। वैसे तो भाई फुल जर्नी तो करेंगे ही लेकिन शाम तक ब्लॉग आएगा यानी कि 8-9 बजे तक। अगर आप लोग चैनल बने तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत तगड़ी आने वाली है रात की वंदे भारत एक्सप्रेस की, ठीक है भाई। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलेंगे भाई इनॉग्रेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर, तब तक ये वीडियो आप लोग देखिए एंजॉय करिए क्या माहौल है।